नमस्कार। तो हो गया आज का योगा सेशन, दिन की शुरुआत हो चुकी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, हमारा पूरा मैट पूरी टी शर्ट भीग चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कल वाला जो व्लॉग था संडे के ऊपर वो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ उस व्लॉग को देखिए। और अगर आपने हमारा जो मसूरी का ट्रिप था, हमारे जो दोस्तों का, हमारे कॉलेज फ्रेंड्स का एक मसूरी का ट्रिप हमने लास्ट वीक प्लान किया था, अगर वो व्लॉग भी आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उस व्लॉग को देखिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी मैं बना रहा हूँ आइटनरी और चूज कर रहा हूँ डेस्टिनेशंस, क्योंकि हमारा जो देश है ना वो कल्चरली इतना रिच है, मतलब हर तरीके से, अगर आप कल्चरली बोलें, अगर आप हिस्टोरिकली बोलें, अगर आप नेचर वाइज बोलें, तो मतलब हमारा देश हर तरीके से परफेक्ट है, हर तरीके से रिच है। कोई भी डेस्टिनेशन, कोई भी स्टेट अगर आप चूज़ करते हैं, तो ये चूज़ करना कि क्या चीज़ हम देखें और किस चीज़ को हम छोड़ दें बहुत मुश्किल है, और उसके ऊपर से होटल सेलेक्ट करना एक और भी डिफ़िकल्ट काम है। पर ये मेरा काम है और ये करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो आज दिन भर मैंने आइटनरी बनाई है, यानी कि हमारा पूरा प्रोग्राम कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रैवल करेंगे। एक नई डेस्टिनेशन है और एक लैंग्वेज बैरियर जो है हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का, वो भी एप्लीकेबल होता है इस केस में। तो देखते हैं, अभी तो खैर आइटनरी बनाने में थोड़ा टाइम और लगेगा क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी आइटनरी है और जनरली लोग इतना लंबा नहीं जाते हैं उस जगह पर जहाँ पे अभी हम लोगों का प्लान है जाने का। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे और जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? ठीक से खेलने जा रहे हो? हाँ। पार्क में? हाँ। क्या खेलोगे? देखो। क्या हो गया आपके एज में? बम फूट गया। कैमरा लिया क्या आपने? नहीं, बम फूट गया। बम फूट गया आईज में? बाय बाय। बाय। यार ये रॉयल एनफील्ड वाले बहुत टाइम लगाते हैं अपनी बाइक को डिलीवर करने में, और ऐसा वो क्यों करते हैं समझ में नहीं आता, क्योंकि आज का जो टाइम है, आज जो समय चल रहा है कि हीरो होंडा जैसे एक स्प्लेंडर आती थी पहले, तो जैसे स्प्लेंडर पहले हर एक इंसान के पास स्प्लेंडर होती थी, सड़कों पर आपको सबसे ज़्यादा स्प्लेंडर दिखती थी, आज वैसा ही कुछ ज़माना आ चुका है कि रॉयल एनफील्ड सबसे ज़्यादा बिकती है, सबसे ज़्यादा दिखती है सड़कों पर। फिर भी क्यों ये रॉयल एनफील्ड की जो पेरेंट कंपनी है वो क्यों अपना प्रोडक्शन इतना स्लो रखती है, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने अपनी बाइक जो आप लोगों को पता ही होगा मैंने बेच दिया है और एक नई बाइक लेने के फिराक में है, बट वेटिंग टाइम उनका इतना ज़्यादा है कि अपना मन लगता है कि कुछ बदलना पड़ेगा क्या। रॉयल एनफील्ड से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, पर अगर ऐसा ही कुछ उनका प्रोडक्शन रेट रहा तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा। आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, पिछले हफ्ते तो बहुत अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन अब जब वो बारिश ख़त्म हो चुकी है और धूप, बाप रे बाप, भाई साहब पंखे के नीचे, एसी के आगे, हर जगह इतनी गर्मी, इतना पसीना छूट रहा है ना, आज कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो नहाओ या ना नहाओ, एक जैसा माहौल है, नहाने से पहले भी पूरा पसीना आ रहा था और नहाने के बाद भी पसीना ही है, बहुत गर्मी हो रही है। तो इसी के साथ देते हैं वीडियो को विराम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।